हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा मुंह होता है वो कुबेर खाने की वजह से या दिलबाग खाने की वजह से या अलग बैक्टीरिया की वजह से नहीं खुल पाता है और आप तरह तरह के टेस्ट कराते हुए थक गए हैं, मेडिसिन खाते हुए थक गए हैं, तो उससे कैसे बचें और उसमें कौन सी मेडिसिन्स हैं जो यूज होती है और जो हमारी SM फेवरेल टैबलेट होती है उसका क्या यूज़ है, क्या साइड इफ़ेक्ट है और वो किस तरीके से बॉडी में पहुंचने के बाद काम करती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि SM फेवरेल जो टैबलेट होती है उसके क्या कार्य होती हैं। तो आज कल के प्रेजेंट टाइम में लोग ट्यूबरक्लोसिस के शिकार हो रहे हैं, तंबाकू ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो ये आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। और हानिकारक में क्या होता है कि आपका मुंह नहीं खुल पाता है, खाना खाने में प्रॉब्लम होती है, जीभ के ऊपर चकत्से बन जाते हैं, 3 उंगली भी आपके मुंह के अंदर नहीं जा पाती हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप खाना खाते हैं तो उसमें ही प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो हमारी यूज होती है वो SM फेवरेल टैबलेट यूज होती है। अब करेंगे SM फेवरेल टैबलेट किस कंपनी की होती है, तो ये एक ब्रांड कंपनी इंडिगो की होती है। अब इसकी साल्ट की बात करें तो इसमें लाइकोपेन, बैक्ट्रिनेट, सेलिनियम, जिंक सल्फेट, मोनोहाइड्रेट, अल्फा लिपिड एसिड, अल्फा टिक्रुक एसिड सॉफ्ट जेल होता है ये, और ये हार्ट वाले पेशेंट को भी फ़ायदेमंद होता है। ये आपके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अब इसकी MRP की बात करें, प्राइस की बात करें, तो ये आपको 12 से 15 रुपये की एक कैप्सूल आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। और इसके स्टिप में 20 कैप्सूल आते हैं, ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं यानी कि मुलायम वाले होते हैं। तो अगर बात करें इसकी साइड इफ़ेक्ट की, तो इसका कोई इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये बहुत ही अच्छा ब्रांड का होता है। आप भी SM फेवरेल टैबलेट का इस्तेमाल करें और तंबाकू से अगर आपका मुँह में बैक्टीरिया हो गए हैं या आपको खाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।